हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले सुन लेते हैं इसको। प्रश्न कहता है कि 12 डेज आर टेकन बाय वन मैन एंड वन वुमेन टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अ मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन वन वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक औरत जो है मिलकर किसी काम को जो है वो करते हैं, ठीक है, जबकि एक 12 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, जबकि एक जो है आदमी जो उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो एक औरत जो है उस काम को कितने दिनों में करेगी, ये हमें निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे लिखना है। अगर मैन की एफिशिएंसी को माने तो एम ले लेंगे, और वुमेन की एफिशिएंसी को माने तो डब्ल्यू ले लेंगे। तो अगर बोले कि पहला वाला तो वर्क, टोटल वर्क जो किया वो मैन का एफिशिएंसी प्लस वुमेन की एफिशिएंसी गुणे 12 कर देंगे तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। और अकेले मैन जो 15 दिन में करता है तो 15 गुणे मैन की जो इफिशियंसी है एम, उसको गुणा कर देंगे। यहाँ से 12 एम हो जाएगा और 12 डब्ल्यू हो जाएगा, 15 एम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 12 डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 एम हो जाएगा। 3 चौका 12 कटेगा तो डब्ल्यू अपन एम बराबर हो जाएगा 1/4। यानी वुमेन 1 गुना है तो मैन उसका 4 गुना इफिशियंसी रखता है। तो यहाँ पर है कि मैन जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है तो उसी काम को वुमेन को अगर करना होगा तो उसका 4 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे से रेशियो से पता चला है कि मैन 4 गुना एफिशिएंसी में ज़्यादा है और वुमेन जो है 4 गुना कम है। तो मैन जो है वो अगर 15 दिनों में करता है तो उसका 4 गुना टाइम वो लगाएगा। एफिशिएंसी के आधार पर देखेंगे तो 15 गुने 4 सीधे करेंगे तो 15 चौका 60 जो है वो टाइम निकल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं सॉल्यूशन समझ में अगर आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।